सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद 400 बुलंद इमारतों के वाटर कनेक्शन रेगुलराइज करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड 400 के करीब बुलंदोबाला इमारतों के पानी के कनेक्शन रेगुलराइज करने जा रहा है। बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में महकमा रिकवरी एंड रिसोर्स जनरेशन RRG की जानिब से एक आला सतह की कमेटी तश्कील देकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन इमारतों के कनेक्शन को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। वाजह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1.5 साल कबल कराची में पानी की शदीद कमी के बाइस हाई राइज के लिए पानी के कनेक्शनों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी थी, जो ताहम सानी बरकरार रहे। ताहम महकमा रेवेन्यू वाटर बोर्ड की जानिब से ऐसी बुलंद इमारतों के ये कनेक्शन रेगुलर करने की कोशिशें की जा रही हैं कि इससे वाटर बोर्ड को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। बाज़ ज़राए ने बताया कि MD वाटर बोर्ड ने इस तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है। वाज़े रहे जब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी, बाज़ इमारतों के कनेक्शन मंजूर या मंजूरी के मराहिल में थे। कुछ कनेक्शनों के चालान जारी हो चुके थे, लेकिन पाबंदी के बाद तमाम कनेक्शन रोक दिए गए थे। रिपोर्ट अलीजा बर्नी, कैमरामैन इब्राहिम के साथ बका न्यूज़ कराची।